जय हिंद यूट्यूब फैमिली, मैं आपका दोस्त फौजी लक्ष्मण सिंह और आज का मेरा वीडियो है अश्वगंधा के बारे में बताना। उससे आपकी हाइट में भी जो साथी मेरी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है हाइट के लिए, और जिनके जोड़ों में, घुटनों में और कमर में पीछे प्रैक्टिस करने के बावजूद दर्द होने लगता है, तो वो अश्वगंधा खाए। अश्वगंधा वैसे हमने देसी वीडियो बनाया और आपको नहीं मिलता तो पतंजलि स्टोर, रामदेव बाबा के पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा वो प्रोडक्ट और वहाँ से आप ले सकते हैं। रियल तो आपको नहीं मिल पाएगा, रियल तो खेतों में आपको मिलता है। तो मेरे साथियों से मेरा निवेदन ये है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और हाँ, इसको आप वीडियो को अंत तक देखना और आप देखना कि इसमें आपको एक महीने में फर्क नहीं पड़ता तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं यही चाहूँगा वीडियो को अंत तक देखना। इसी में आपकी हाइट की जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको सेना में जाते हो हाइट में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में, कमर में, जो भी बंदे तैयारी करते हैं, और मेरी माताएं बहनें भी इसको ले सकती है जिनके परिवार में कमर घुटने दर्द होते हैं। ओके दोस्तों, जय हिंद यूट्यूब फैमिली, मैं आपका दोस्त फौजी लक्ष्मण सिंह और मैं आज आपको अश्वगंधा के बारे में बताने वाला हूं, जो ये रामबाण राजस्थान की धौरा धरती में पाई जाती है और ये अक्सर पेड़ों के पास या दीवार, जो खेत की दीवार यानी मेड़ जो होती है वहां पे पाई जाती है, और इस प्रकार ये खोदी जाती है। हमारी जड़ी बूटियां हम निकाल रहे हैं, इसका उपयोग किया जाता है। ये अश्वगंधा आप देख लीजिए, आपको इस प्रकार दिखेगी, इसकी महक ही कुछ अलग है और ये हकीकत में देसी बाण है। इससे आपको ये फायदे होंगे, जब भी आप ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करके आते हो, जो आर्मी में लगने वाले वो इसको अच्छे से देख लें, ये अश्वगंधा, ये जब आप दौड़ करके आते हो और आपके शरीर में दर्द होने लगता है, जैसे घुटनों में, गर्दन में, कमर में और जो पैर के नीचे वाले हिस्से होते हैं उन पे आपको दर्द होना महसूस होता है, तब आप इसका उपयोग करो। मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस अश्वगंधा से आपका दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की कि इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अगली बार से यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये असली रामबाण है, इस प्रकार ये निकलती है, देख लीजिए आप इस प्रकार खोद खोद के। और हाँ, जिन बंदों की फौज में तैयारी करने के लिए जाते हैं और ग्राउंडों में तैयारी करते हैं, देखिए पहचान आप इस प्रकार कर सकते हो। देखो इसके पत्ते इस प्रकार होते हैं, देख लीजिए आप नजदीक से, गौर से देखिए, और इसके नीचे ये होता है, ये बूंटा, इससे ये अश्वगंधा पाई जाती है। देसी है, आपको मैं मानता हूं देसी तो नहीं मिल पाएगी, कुछ ही बंदों को मिल पाएगी जिनकी इसकी पहचान है खेतों में। इस प्रकार ये हो जाती, निकल जाती है, ये सूख के बहुत ही कम होती, तो इसको सुखाने के बाद मिक्सी के अंदर पीसा जाता है, मिक्सी ना हो तो इसको कूटा जाता है पत्थर के अंदर, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें मेरे साथियों। और हाँ, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट की बड़ी समस्या है, तो मैं ये कहता हूँ अश्वगंधा खाने के बाद आपकी हाइट के अंदर 110% फर्क पड़ेगा। ये देख लीजिए आप, इसको धूप के अंदर सुखाना पड़ता है, और उसके बाद धूप में सुखाने के बाद इसको मिक्सी के अंदर कूट लिया जाता है, पीस लिया जाता है, कूटने वाली जगह पे कूट लिया जाता है, छोटा छोटा कूट के मिक्सी में इसको पीस देते हैं। ये देखिए आप इस प्रकार से, पेड़ को अच्छे से देखिए, देखिए ये हाइट में आपको 110% फर्क दिखेगा इस अश्वगंधा का। और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहो, लाइक एंड शेयर करते रहना मेरे दोस्तों। ये अश्वगंधा हाइट में आपको फर्क दिखेगा इसका, और आपके घुटनों में, जहां पे जोड़ों में दर्द है उसमें दर्द में काफी राहत आपको मिलेगी, और आप वीडियो को शेयर करते रहो। ये देख रहे हो, इन सबको ये जड़े होती है, इनको ऊपर वाला भाग को तोड़ देना है और इन जड़ों को धूप के अंदर सुखाना है। 4 से 5 दिन सुखाने के बाद आप इनको छोटा छोटा छील लो, छीलने के बाद इसको आप मिक्सी में तैयार करो, मिक्सी में तैयार पीस जाने के बाद कपड़े से या छन्नी से इसको छान लो, इसका जो चूर्ण बचता है उसको आप डेली सुबह प्रैक्टिस के बाद उसको दूध या पानी के अंदर आप ले सकते हो। दूध या पानी में लेने के बाद आप आधे घंटे तक कोई भी डाइट ना लें। इससे दोस्तों ये फायदे जरूर, जो मैंने आपको बताए, हाइट में फर्क पड़ेगा, आपके घुटनों में, आपकी गर्दन में, आपके पिछले कमर के हिस्से में, और आपको शरीर के अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी, और आप सेना में जब भी आप दौड़ने जाओगे तो मैं ये कहता हूँ
कि आपकी बॉडी में आप एक महीने तक खा के देखो, आपके अंदर 100% फर्क पड़ेगा। और ये आपको जड़ी बूंदियां खेतों में नहीं मिल पाती है तो आप रामदेव बाबा के दुकान में जाओ और वहां पे चूर्ण पीसा हुआ लो। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइब को आप अनसब्सक्राइब कर देना, आपके शरीर के अंदर कुछ फर्क ना पड़े तो। तो साथियों मैंने ये आपको बता चुका हूँ, सूख जाने के बाद इसको पीसना और खाना। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। जय हिंद दोस्तों। फौजी।